अभी क्या है, अब जो ब्राह्मण और जो भी लोग बाहर से आए हैं उन पे यहाँ के कुछ लोग बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन लोग इन्हें लोटा लेके आए थे और आज हम पर राज कर रहे हैं, क्या कहना है इस विषय में? शोषण की है, सीधे सीधे मंच पे बोलते हैं। मेरी तो पैदाइश रायपुर की है, हमारे परदादा भी यहाँ पर रायपुर में रहे हैं। हाँ। और जैन समाज में सालों से मंदिर है यहाँ पर। हाँ। कई सैकड़ों सालों से मंदिर है, जहाँ जहाँ खुदाई भी हो रही है छत्तीसगढ़। हाँ। में सिरपुर वगैरह में। हाँ। हजारों साल प्रतिमाएं, हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं निकल रही हैं। इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में जैन समाज बहुत पहले से, हजारों सालों से यहाँ पर रहा है जैन समाज। भाई 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 स्टील राजेश राइट अच्छी है चलो भाई आप बैठो आ जाओ किसी भी साधु संत का अपमान नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं जैन साधु यानी किसी के विरोध में कुछ भी नहीं कहते हैं, वो एकता प्रेम संगठन और अहिंसा की पुकार करते हैं, वो संदेश देते हैं ताकि वो संदेश जन जन तक पहुँचे और किसी के बारे में कभी विरोध नहीं करते हैं। तो जो ये शब्द जैन साधु पे उठाया गया है, ये परदेशी है, इनकी बलि दी जाएगी, ये उचित नहीं है। कोई भी जैन समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, किसी भी संत हो, किसी भी पंथ के हो, उनके प्रति ऐसे शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं पुकार की सुनवाई होनी चाहिए और इसके अंदर यानी बिल्कुल विजय मिलना चाहिए, और जिन्होंने शब्द कहे हैं वो उचित नहीं है। आश्वासन मिला है, कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी, चालू भी होगी और हो गई कार्रवाई, चालू हो गई। हमारे सामने भी जीपी वगैरह से बातचीत हो गई है, कार्रवाई जल्दी करेंगे और होना भी चाहिए बोले, क्योंकि जैन संत को सर्वोच्च परि मानते हैं और उनका अनादर, उनके बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुन सकते। तो दुख तो हुआ है, काफ़ी क्षेत्र से बाहर से भी आए हैं, सब बाहर खड़े हैं, जो काफ़ी बाहर से भी आए हुए हैं और यहाँ से भी है रायपुर से, सभी को दुख हुआ है। छत्तीसगढ़ में दहशत फैल गई है, साधु साधु का विचरण भारी हो गया है, क्योंकि 4 बजे 5 बजे सुबह हम अकेले अकेले चलते हैं, पदयात्रा करते हैं। वो संतोषजनक स्थिति प्राप्त हुई और बहुत अच्छा लगा, हमारी भी दहशत दूर हुई और हमारी जब दहशत दूर होगी तो हमारे जो अन्यायी हैं उनकी दहशत अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि उनको हमारी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है ना, वो हमको भगवान के रूप में मानते हैं। तो हमको संतोषजनक उत्तर मिला और बहुत अच्छा लगा हम सबको यहाँ पर। बालोद में जो घटना घटी है उसको लेकर के जैन समाज बहुत दहशत में आ गया, क्योंकि आज तक के पूरे हिंदुस्तान में कभी गुरु भंतों के खिलाफ किसी ने बोला नहीं। हमारे जो गुरु भगवंत हैं वो हमारे लिए परमात्मा के बाद परमात्मा का दर्जा रखते हैं, 5वां अधिकारी हैं वो, और उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर में जो हमला हुआ है शब्दों का, अगर वो वाकई में हो जाए तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा दहशत में, इसलिए हम लोग महामहिम के पास में मिलने के लिए आए। तो उन्होंने, और ये अब अच्छी बात है कि उनको सारी जानकारी पहले से ही थी, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही DGP को और चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया है, और उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगी और इस बात को यहीं पर ख़त्म नहीं होगी ये बात, और मैं इसके जितना लड़ना है मैं लड़ूँगी। उन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझाया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इस बात की आप निश्चिंत रहिए। जैन समाज जो अहिंसक समाज है उसके ऊपर बोले ये हमला बहुत गलत हुआ है, उन्होंने भी इसके लिए हम लोग को बोला कि आप बेफिक्र रहिए, इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करवाएंगे। 25-26 बकरा भेड़ा काट के मंदिर में चढ़ाया गया, उसी घटना के विरोध में जैन संत श्री विनय सागर जी भोपाल से, उनका ही वीडियो आया था, उसी को टारगेट बना के अमित बघेल ने ये गंदी भाषा साधु संत के लिए बोली है। मैं उसी पाटेश्वर धाम से हूँ, पाटेश्वर धाम का मैं महंत हूँ, मेरे ही मंदिर में 1 मई को जीव काट के वहाँ मांस चढ़ाया गया, मेरा भी FIR 1 महीना हो गया, लिखा नहीं गया है, किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और पूरा संत समाज जिसमें जैन संत समाज भी है मेरे साथ मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि जीव हत्यारों को सजा मिलना चाहिए, और जो लोग इस तरह से भरे मंच में इस प्रदेश शांति प्रदेश में साधु संतों को गालियाँ दे रहे हैं, इनके ऊपर इनको गिरफ्तार भी करना चाहिए और कई वर्षों तक इनको जेल में रखा जाना चाहिए ताकि कोई इस प्रकार का दुस्साहस आगे ना कर सके। ये भारतवर्ष जो है अमन और शांति का देश है, हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं, कुछ विद्रोही या विधर्मी जो अपने आप को सनातन नहीं मानता,
भारत का नहीं मानता या अपने आप को धार्मिक धर्म से अलग रखता है, ऐसे लोग जो है हमारे धार्मिक क्षेत्रों पर, हमारे साधु संतों पर अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं एवं हमारे जो धर्म स्थल हैं उन पर बलि आदि देना, ये सब जो कुप्रथाएँ हैं इनको चलाने का प्रयास किया है। हमारे साथ अभय वंशाली जी हैं जो आज इनका सकल जैन समाज राज्यपाल से मिलने गया था, हम इनसे बात करते हैं। बताएं वंशाली जी, आप लोग गए थे अमित बघेल के विवादास्पद बयान रहे हैं, तो आपको क्या कहना है? हम लोगों ने गवर्नर मैडम के से मिलने गए थे, हमारा पूरा डेलीगेशन मिलने के लिए गया था। आज जैन समाज की छत्तीसगढ़ के सारे लोग इकट्ठे हुए थे, 10,000 से ऊपर पब्लिक, 10,000 से ऊपर की पब्लिक आज रायपुर में इकट्ठी हुई और सब लोगों ने प्रशासन के सहयोग के साथ में हम लोगों ने अपनी रैली निकाली, शांतिप्रिय रैली निकाली। जैसा निर्देशन हमको मिला था कलेक्टर साहब और एसपी साहब के द्वारा, उसी हिसाब से हम लोग अपनी रैली निकाली और गवर्नर हाउस गए। गवर्नर हाउस में बहुत अच्छी बात रही कि गवर्नर मैडम को सारी बातों की पहले से जानकारी थी, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि तुरंत कार्रवाई होगी और उन्होंने डीजीपी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को पहले से निर्देशित कर दिया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि जरूर मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगी। अभी क्या है, अब जो ब्राह्मण और जो भी लोग बाहर से आए हैं उन पे यहाँ के कुछ लोग बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन लोग इन्हें लोटा लेके आए थे और आज हम पर राज कर रहे हैं, क्या कहना है इस विषय में? शोषण की है, सीधे सीधे मंच पे बोलते हैं। मेरी तो पैदाइश रायपुर की है, हमारे परदादा भी यहाँ पर रायपुर में रहे हैं। हाँ। और जैन समाज में सालों से मंदिर है यहाँ पर। हाँ। कई सैकड़ों सालों से मंदिर है, जहाँ जहाँ खुदाई भी हो रही है छत्तीसगढ़ में, सिरपुर वगैरह में हजारों साल प्रतिमाएं, हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं निकल रही हैं। इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में जैन समाज बहुत पहले से हजारों सालों से यहाँ पर रहा है जैन समाज। तो ये बाहरी और ये जो मुद्दा चल रहा है चुनाव में चलता है, जनरली कोई आदमी दूसरे बहुल से खड़ा हो। देखिए हम लोग तो व्यापारी समाज के लोग हैं। हाँ। हम जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हाँ। शांति प्रिय लोग हैं। हाँ। हम लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अच्छा, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।